हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। भाई यार ढूंढ नहीं है दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं हूं और सतीश भाई हैं, और पीछे हमारे सतीश भी हैं, है ना। और ये सतीश भाई हैं। तो आज हम लोग जो प्लानिंग करके निकले हैं ना, आप लोग आई होप कि सपोर्ट करोगे उस चीज़ को लेके। देखिए, जो हमारे भाई नोएडा के अंदर आ चुके हैं या तो नोएडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, 50% ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे हैं कैंडिडेट कि हम पहले वहाँ पे जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पे। नौकरी तो हाल फिलहाल इसरार भाई हैं दिलवा देंगे, ठीक है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ पे? तो इसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस समय हम जा रहे हैं एक बिल्डिंग देखने। अगर खुदा न खासा बिल्डिंग तय हो जाती है तो मैं उस वीडियो शूट करूँगा, उस बिल्डिंग की प्रॉपर आपको एड्रेस दूँगा, और जितने भी हमारे भाई रहेंगे कैंडिडेट रहेंगे वो सभी आके वहाँ पे रह सकते हैं। हम बिल्डिंग एज ए रेंट पे लेंगे, ठीक है, जैसे सतीश भाई हमारे हैं रेंट पे लेंगे ये बिल्डिंग, ठीक है। गाड़ी नहीं की भाई, मैं तो एक नौकर हूँ आप लोग का, ठीक है। ये तो भाई सतीश भाई हमारे हैं भैया, ऐसा है, ऐसे गेली गेली करके बता रहे हैं हमें तो बिल्डिंग जाए। अरे वही है ना इसरार भाई, कि जब हमारे भरोसे आते हैं बंदे तो उनकी गलती नहीं, रुकने की दिक्कत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आज देखो हम पिछले एक हफ्ता से भग रहे हैं, आपको पता है, हम दोनों कहीं बात नहीं बनी, लेकिन यहाँ उम्मीद है बात बन जाए। और बाकी देखो क्या होता है। एड्रेस ज़्यादा दूर का नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ सेक्टर 11 का होने वाला है ना, सेक्टर 11 के पास में रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। जो हमारे भाई हैं कैंडिडेट हैं, सेक्टर 63 भी कर सकते हैं जॉब, नोएडा के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पूरी बिल्डिंग की बात हो रही है, अगर तय हो जाती है तो पूरा प्रॉपर वीडियो हम शूट करके आपको दिखाएंगे। हाल फिलहाल मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस समय हम अभी सेक्टर 11 में हैं, और अभी जैसे ही हम बिल्डिंग में जाएंगे वहाँ की वीडियो भी शूट करेंगे हाल फिलहाल। और अगर तय हो जाती है रेट, क्योंकि पूरी बिल्डिंग लेनी है, मतलब जितने भी हैं वहाँ पे कम रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से उसमें जैसा भी हमारे कैंडिडेट्स के लिए लेंगे हम। हाँ जी, वो खाली उनके लिए हम भटक रहे, जो हमारे कैंडिडेट हमारे भरोसे आते हैं जिनको रहने का स्टे करेंगे, वो भी देखते हैं कि जैसे कोई एक या दो दिन के लिए कहीं कंपनी में लेट सेट हो जाता है उसका क्या करना है, तो उसका कम से कम चार्ज रखेंगे, ताकि बंदा जैसे बिहार से या पटना से जहाँ से भी आएगा तो एकदम तो उसको रूम मिलेगा नहीं, और ना ही एक दिन जॉब मिल जाएगी। भाई हमारा काम है एक दिन बुला के अगले दिन जॉब का मैनेज करा देंगे, लेकिन रह कहाँ हो, तो उसी की वो समस्या जो है उसको सॉल्व करने के लिए इसलिए हमें ये रूम अवेलेबल ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे। आज जिसने भाई ने बताया है यहाँ पे देखते हैं, चाहे भले ही थोड़ा महंगा होगा कोई बात नहीं, अपने भाई बंधु के लिए इतना भी देखेंगे, क्योंकि उसको हमें पे करना पड़ेगा ना सतीश भाई। हाँ, पे करना पड़ेगा, आप लोग समझ सकते होंगे, क्योंकि भाई एडवांस देना पड़ेगा, सतीश भाई एडवांस देंगे उसके बाद बिल्डिंग लेंगे, किसके लिए, आप लोग के लिए तो इतना वर्क हो रहा है ये जो है ना। और अभी हम चल रहे हैं बिल्डिंग में, उसके बाद बिल्डिंग की वीडियो शूट करके हम आपको दिखाएंगे। तो फाइनली हम बिल्डिंग में आ चुके हैं, है ना, और मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से बिल्डिंग है। हाँ, अच्छा 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 चलो कोई नहीं, कहाँ पे है वो, कोई रहता है इसमें शायद, है ना। चलो चलो यार, लेके चलो ऊपर आपको। अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर है ना ये, सेकंड फ्लोर है, सॉरी। अरे यार यार तो सुनी, पहले मलिक है, बात करिए पहले। तो अभी हम रूम में ही है, मतलब बिल्डिंग में ही है, रूम देख रहे हैं। अच्छा, ये इन भैया की है ना, अच्छा अच्छा जैसा मैं आपको दिखा दूँ बड़े भाई, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से ये आपकी ही बेड है, ये हमारा बेड। अच्छा अच्छा ये देखो दो बेड यहाँ पे लगे हुए हैं ऑलरेडी, है ना, लेटरिन बाथरूम सारे अटैच हैं, किचन वगैरह सब साथ में ही है, कोई इशू नहीं है, है ना। भैया रह भी रहे हैं, और कहाँ पे हैं। हाँ वही सतीश भाई हमारे साथ में है, बिल्डिंग अगर मिल जाता है तो फिर इंतजाम करते हैं आप लोग का, है ना। हाँ देख तो रहे हैं, लेकिन हमें वो भी सोचना पड़ेगा ना कि बच्चों के काबिल है, जैसा कि सबसे पहले होती है बच्चों की सिक्योरिटी, और ख़ासकर लड़कियों की, जैसा माहौल होता है वातावरण, वो हमें लड़कियों के लिए स्पेशल देखना होगा। कोई नहीं, इतनी मेहनत कर रहे तो और करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और बाहर का कुछ इस प्रकार से है व्यू, नहीं देखिए आपके पास कैंडिडेट के ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा एक्चुअल में रेंज होता है। इसमें भी दो बेड लगे हैं ना, ये आपकी आपकी बेड है। हम तीन बेड तो आ जाएंगे, वैसे तीन बेड देखते हैं कितना क्या कैसे करना है।
और बाहर का कुछ इस प्रकार से इधर भी आएगा। अच्छा ये तो कूलर का है। यार वो बता रहे थे सतीश भाई कि नई बिल्डिंग है ना, नई बिल्डिंग है उसमें तो 15 से 20 रूम है, बिल्कुल ऐसे ही रूम है। इसमें तो साहब ही भरे पड़े हैं। कौन सा है? बुल्ली उसे वक्त कर लगा है रेंजो रिडेक्ट कर लो ना पेट बोले पे पड़ा रहे हो तुम। पूरी बिल्डिंग नई बनी है ना, ये देख लो आप, लैट्रिन बाथरूम आपका रहा, ये बालकनी रहा, बाहर कुछ इस प्रकार से नज़ारा है ना। हम सतीश भाई आ चुके हैं बिल्डिंग देखने के लिए। जैसा आप लोग को, आप लोग का कमेंट्स था कि रहेंगे कहाँ पर, हाँ लैट्रिन बाथरूम सबसे सेपरेट है। और अभी अगर बात डन हो जाती है तो यही वाला दोस्तों लिया जाएगा। आप लोग बताना कमेंट्स करके आप लोग को ये कैसा रूम लगा है ना। ठीक।